नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम्मत समाचार। मैं हूं जेपी विश्वकर्मा। आज की बड़ी खबर नवजीवन बिहार सेक्टर नंबर 1 वार्ड क्रमांक 32 नेहरू वार्ड के रहवासी एवं टैक्सी चालकों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। बताई गई जानकारी के अनुसार ग्रामवासियों की शिकायत पर नगर निगम की JCB पुराने रोड जो कि आयुष हॉस्पिटल के बगल से पश्चिम से पूरब में जाती है, जहाँ की 200 वर्ष पुरानी सड़क है, वहीं दूसरी तरफ चौराहा में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम की मशीन पुराने रोड को साफ करने पहुंची तो भाजपा नेता अरविंद दुबे मौके पर पहुंचकर काम बंद करवा दिए। और आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से कि लगभग 200 घरों में आवागमन पूरी तरह बंद है एवं ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? कांति प्रसाद। कांति प्रसाद जी, ये बताएं आपको क्या समस्या है, यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, JCB वापस चली गई। समस्या ये है कि ये रोड दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है जी। आगे चल करके 15-16 घर हैं जो आना जाने में दिक्कत हो रहा है और बाइक तक नहीं आ रही है। अगर रात भी रात किसी को समस्या हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई आ नहीं सकता है। इस रोड की वजह से आदमी मर जाए। और एक रास्ता जो बाउंड्री किनारे से खुला हुआ है उसमें जंगल झाड़ी है, पहले से ऑलरेडी रोड था वहाँ पे, और उस रोड को अभी नगर निगम की गाड़ी आई थी उसको साफ नहीं करने दिए अरविंद दुबे जी, उसको मना करके गाड़ी वापस करा दी है। ये कौन है अरविंद दुबे जी? ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और इस रोड को तत्काल खुलवाने का कृपा किया जाए, तत्काल आवागमन चालू हो जाए। ठीक है।